ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी चर्चा इसकी लॉन्चिंग से पहले ही होने लगी। वजह पर बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं कि ये एक्सप्रेसवे क्यों खास है। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर में NH 48, जो पहले NH 8 था, उसके शिव मूर्ति के 20 किलोमीटर के निशान से गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास 40 किलोमीटर के निशान पर समाप्त होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने का एक मकसद ये भी था कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पर बढ़ते जाम को कम किया जा सके। अब बात इसके निर्माण को लेकर। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन स्टील का उपयोग हुआ है, जो कि पेरिस के एफिल टावर को बनाने में लगी स्टील से 30 गुना है। और सिर्फ इसकी बात छोड़ दें तो इस एक्सप्रेसवे में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर का तो सीमेंट का कंक्रीट लगा हुआ है, जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा में लगी कंक्रीट से 6 गुना है। इस एक्सप्रेसवे को लेकर देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि ये इंडिया की पहली 8 लेन की एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगी, जो कि देश की राजधानी दिल्ली की द्वारका से मैनेसर के बीच बनी है। और देश इस एक्सप्रेसवे को 100 साल तक भी नहीं भूल पाएगा। अब बात इस साफ सुथरी और चमकती सड़क पे अचानक से विवादों के गड्ढे कैसे पड़ गए, उसकी कर लेते हैं। ये पूरा मामला तब उठा जब 10 अगस्त को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश की गई। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के पहले चरण में बनने वाली योजना है और इसकी 91,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 लेन किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने की कैबिनेट ने अगस्त 2016 में मंजूरी दी थी। उस वक्त ये अनुमान था कि ये 29 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे में प्रति किलोमीटर 18.2 करोड़ की लागत आएगी। पर कैग की रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई, वो कहती है कि एक्सप्रेसवे की लागत 14 गुना बढ़कर 251 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई है। नितिन गडकरी ने एक चैनल के कार्यक्रम में इस पर सफाई दी और बताया कि उन्होंने जो कैबिनेट को नोट भेजा था, उसमें 5000 किलोमीटर की 2 लेन सड़क बनाने की बात थी और उसकी कीमत 91,000 करोड़ रुपए होती। इसमें फ्लाईओवर और रिंग रोड की कीमत बाद में तय करने की बात हुई थी। इस एक्सप्रेसवे का पहला टेंडर 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का निकाला गया था, लेकिन टेंडर फाइनल 181.94 करोड़ रुपए पे हुआ, जो कि लागत के अनुमान से 12% कम रही। उन्होंने कैग की रिपोर्ट में ज़्यादा लागत दिखाए जाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को दोषी बताया, क्योंकि कैग के अधिकारियों को जवाब ठीक से नहीं दिया गया। कैग की रिपोर्ट के बाद भला विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर जोरदार हमला बोला। खैर, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2024 में पूरा होना है और अभी काम इस पे चल रहा है। इसके पूरा हो जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के मानेसर की दूरी सिर्फ 15 मिनट की हो जाएगी, और तो और मानेसर से दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। इसके बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे में लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की संभावना है।